माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पोइम है भारत महिमा। महिमा मतलब गुणगान करना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है भारत के बारे में। तो वो जो भारत के बारे में बताया गया इस पोइम में, वही मैं बताने जा रहा हूँ। पोइम भारत महिमा, तो इसमें इंडिया के बारे में ही बताया जा रहा है, भारत के बारे में बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। यहाँ बता रही है कि सूर्य जो आ रहा है, सूर्य क्या कर रहा है यहाँ पर, हिमालय के आगे से पूरा भारत आ जाता है, पूरा मतलब प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो बोल रहे जब सूरज उग रहा है तो वो जो अपनी सन रेज है वो लेकर आ रहा है इंडिया में। देखते हो ना, पहाड़ों में से सूर्य उगता हुआ दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देवभार, मतलब सन जो आ रहा है वो एज अ गिफ्ट रेज लेकर आ रहा है, सन रेज आ रहा है। और फिर उषा ने हंस अभिनंदन किया। अभिनंदन मतलब वेलकम किया, स्वागत किया। किसने किया? मॉर्निंग ने। मॉर्निंग ने भी इंडिया का वेलकम किया और पहनाया हीरक हार, और इसे हीरक हार पहनाया। हीरक हार मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं, लेकिन वैसे आप पोइट का मीनिंग है कि सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में, ओस की बूंदें होती हैं जो घास के ऊपर, ड्यू ड्रॉप्स। तो जब सन रेज उसके ऊपर गिरती हैं तो वो चमकती है हीरे की तरह, तो वैसा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा और दो मीनिंग होते हैं पोइम के, ऊपर का मीनिंग और एक अंदर का, तो वो भी मैं बताते चलता हूँ साथ में। तो यहाँ सन ने आके वेलकम कर दिया, अब आगे उषा ने भी उसका स्वागत किया, ये हीरो का हार लेकर आए, मतलब उसकी बुद्धि। यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ईश्वर ने ज्ञान दिया हमें। जब भी प्रकाश की बात की जाती है मतलब ज्ञान दिया जा रहा है। अब आगे, जगे हम लगे जगाने विश्व। देखो आगे फिर वही आगे कि जगे हम मतलब कि सुबह हो गई, हम जाग गए, लेकिन कौन सी सुबह? अज्ञान दूर और ज्ञान मिलने लगा हमें। तो जब ज्ञान मिला तो क्या हुआ, हम जागने लगे। इसलिए इंडिया को कहते हैं विश्वगुरु। सबसे पहले ज्ञान मिलना शुरू हुआ था, फिर हमने ऑल ओवर दी वर्ल्ड ज्ञान को बांटा था। हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप। तो जगे हम, तो हमें नॉलेज हुआ, फिर हमने पूरे विश्व को, ऑल ओवर द वर्ल्ड को, हम जितना ज़्यादा दे सकते थे नॉलेज हमने दिया। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर पूरे विश्व में, विश्व को लोक भी बोलते हैं, तो उस पूरे में क्या फैला, फिर आलोक फैला। आलोक मतलब प्रकाश। तो यहाँ प्रकाश का मतलब क्या हो गया, नॉलेज। तो नॉलेज पूरे विश्व को हमने दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। जो आकाश में मतलब कि पूरी दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ था, मतलब अज्ञान जो फैला हुआ था, उसको हमने दूर किया। पुंज मतलब जो ढेर सारा, अलॉट। तो जो ढेर सारा अज्ञान, अंधविश्वास, याद रखो सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में भी था, आज भी बहुत सारी जगह पे है, कुछ भी करते रहते हैं। तो वो सब नष्ट किया, किसकी वजह से हुआ, ज्ञान की वजह से। अज्ञान को ख़त्म किया हमने सबसे पहले, और फिर अर्थिक संस्कृति हो उठी अशोक। और जो पूरा संस्कृति मतलब पूरा वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया, पूरा संसार क्या हो गया, वो जाग गया। और जो शोक थे, शोक अर्थात जो दुख थे, वो खत्म हो गए, क्योंकि ज्ञान रहेगा तभी दुख खत्म होते हैं। वैसे तो देखोगे तो दुख खत्म नहीं होते, दुख आते रहते हैं, लेकिन आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, अगर आपके पास राइट नॉलेज है कि हाँ ऐसा होता है, सुख दुख चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें नॉलेज हुआ और हमने सबको बांटा बाद में वो ज्ञान, और सबके दुख दूर की। नेक्स्ट, विमल वाणी ने वीणा ली। अब यहाँ बता रहे हैं कि संगीत के बारे में। देखो संगीत कब आता है, तो विमल वाणी मतलब वाणी में, आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में जीवा पे क्या होना चाहिए, मधुर, पोलाइटनेस होनी चाहिए। दिल में क्या होना चाहिए, कमल कोमल के समान, जो कमल का फूल है उसके समान कोमल, और काफ़ी फैला हुआ रहता है वो, तो वैसा बोलते हैं हृदय खिल जाता है, तो दिल खिल गया और कुछ नहीं बोलते हैं। तो दिल एकदम खिला, प्रसन्न रहना चाहिए, तब जाकर बोलता है वो। थोड़ा सरस्वती माता के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि दिल में प्यार है, सप्रीत है, दिल में कमल की तरह खिला हुआ, और वाणी पे आपकी क्या है, मधुरता है, पोलाइटनेस है। तो फिर सप्त स्वर सब सिंधु में उठे, तब आप, अगर आप प्रेम से भरे हैं, कोई मूवीज़ में देखते हो कि हीरो या हीरोइन को प्यार हो गया तो क्या सॉन्ग आता है, एकदम वो जाग जाते हैं, एकदम बोरियत से बाहर आ जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। तो वैसे बोलता है कि सप्त सुर, जो सारे गामा पादा नहीं बोलते हैं, सानिया वापस सारे गामा पादा नहीं, ये जो सुर हैं वो जागे सप्त सिंधु में। इतनी सारी नदियां हैं यहाँ पर, नदियों के साथ सुर को ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो इतने सारे सुर मतलब संगीत को हमने जाना फिर, तो संगीत को आप तभी जान सकते। इसलिए आज भी बोलते हैं अगर आपको डांस करना है या गाना गाना है तो पहले दिल में बहुत प्रेम होना चाहिए, फील करो उसको अंदर से। तो छिड़ा था मधुर साम संगीत। साम मतलब हमारे जो एक वेद है उसको सामवेद भी बोलते हैं, उसमें संगीत के बारे में दिया गया है, बहुत अच्छे होते हैं सॉन्ग, फटक से आप किसी एक नेक्स्ट लेवल पे लिखे जा सकते हैं, जैसे संजू मूवी में भी दिखाया था। तो तब जाकर बोलते हैं संगीत बना, सुर जाते हैं अपने अंदर और संगीत बनता है, जब प्रेम होगा हृदय में और वाणी होगी नम्र। फिर आगे, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रहा रही धरा पर धूम। तो बोल रहे हैं लोहे, लोहा अर्थात मतलब शक्ति। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ शक्ति ही नहीं जीती, कभी कभी शक्ति भी जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर शक्ति ही नहीं बल्कि कौन जीता,
धर्म मतलब जो सही है वो जीता। महाभारत का भी एग्जांपल ले सकते हो, मुगलों ने भी अटैक किया फिर जाना पड़ा, फिर अंग्रेज भी आए उनको भी जाना पड़ा, तो एट द एंड धर्म की जीत होती है। नेक्स्ट, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। फिर बोलते हैं जो सम्राट थे, सम्राट अशोक को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, तो वो भिक्षु बन गए जो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते हैं, और वो घर घर जाके लोगों को दया करने लगे और दया दिखलाते हैं। मतलब जो भी जिसको जो दर्द दुख दर्द तकलीफ है वो उन्होंने घर घर जाके उनकी दूर की कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, एक मेन प्रॉब्लम की जड़ अज्ञान ही है। जब तक इंसान को ये मत सोचो पैसा ये वो या जितनी सारी चीज़ें बोली जाती है, पहले ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तो सारे दुख दर्द दूर कर सकते हो, फिर सब कुछ कमा सकते हो, वरना नहीं। तो ये सम्राट जो थे इतने बड़े, जो जिन्होंने इतना लाइफ स्टाइल जीते हैं, वो सडनली जब ये सब चीज़ें सिखाने लगते हैं तो लोग अच्छे से सुनते भी हैं। तो वही थे, उन्होंने दया दिखाई घर घर घूम के। तो गौतम बुद्ध का एग्जांपल बहुत बेस्ट बैठता है उन्होंने, और सम्राट अशोक ने भी बाद में जब भिक्षु बन गए थे वो भी, उन्होंने भी गौतम बुद्ध को उस धर्म को अपना लिया था, तो वो भी लोगों में फैला रहे थे उस धर्म के प्रचार को कि क्या गड़बड़ होती है, किस चीज़ की वजह से इंसान दुखी रहता है, तो वो सब। फिर आगे गौरी को दिया दया का दान, ये मोहम्मद गौरी करके थे, उन्होंने अटैक किया था तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो ऐसे तो बहुत सारे युद्ध बताए गए हैं वो हिस्ट्री में, कुछ और आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बता सकते हो, सो समझ सकते हो कि अटैक करते थे तो हार भी जाते थे, फिर बहुत सारी ट्रिक्स खेलनी पड़ती थी। तो गौरी को हराया भी था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन छोड़ दिया, फिर भी मार सकते थे ना, लेकिन छोड़ दिया, दया दिखाई उसके ऊपर कि जा, लेकिन फिर जब उसने अटैक किया तो उसने मार दिया, उसने नहीं छोड़ा। तो दया भी करते थे यहाँ के राजा जो थे, ऐसा लगता है हमें बेवकूफ़ी सी, लेकिन नहीं, दया भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है दुश्मन भी है लेकिन अंत समय में आप प्यासा है पानी मांग रहे तो वो भी दे दो, दया बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन के पास अपना कोई धर्म नहीं था, तो गौतम बुद्ध ने जाकर उनको धर्म सिखाया। धर्म मतलब एक जीने का तरीका, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में जीने का तरीका क्या है वो सिखाया, ये नहीं कि अपना धर्म थोप देने का किसी के ऊपर, नहीं, जीने का एक तरीका क्या है एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो वो चीन को सिखाया। तो आज ज़्यादातर वहाँ पर बौद्ध धर्म का जो धर्म है वो फॉलो किया जाता है, बौद्ध धर्म जो फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन किया जाता है फॉलो। और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण मतलब सोने की चिड़िया कहते हैं इंडिया को, कहते थे, तो यहाँ पर रत्न मिले। रत्न मतलब जो भी अच्छे अच्छे लोग हुए थे, यहाँ गौतम बुद्ध की बात की जा रही है, तो हमारे सोने की जो चिड़िया कहते हैं हमारे देश को, कहते थे, तो वो वहाँ पर क्या मिला, हीरे, हीरे जैसे लोग भी मिले। और सिंह के सिंहल को भी सृष्टि, जो सिंहल मतलब श्रीलंका को बोला गया है, तो श्रीलंका को भी बोलता है वहाँ पर अच्छे से रहने के बाद, देखोगे तो कभी तंग नहीं किया, शांति बनाए रखी वहाँ पर, वरना देखेंगे तो हम जो पड़ोसी पाकिस्तान उधर से चाइना, कुछ ना कुछ टॉर्चर चालू रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन इनके बीच में ऐसा कभी प्रॉब्लम है आप सुना नहीं रहेगा जल्दी कि इंडिया ने श्रीलंका को कुछ टॉर्चर कर दिया, नहीं, शांति से रहो, वरना हमारे कॉर्नर में है, कितना भी तंग कर सकते हैं, पर नहीं किया कभी भी, तो शांति हमेशा बनाए रखी। तो ये है, फिर अगली आगे का पार्ट का भी मैं बताता हूँ, ओके।